हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी अपने अपने पर्सन को याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, प्लीज़ गाइड करें। पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सेवन की ऊर्जा आई हुई है यहाँ पर, सिक्स ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड एंड सेवन ऑफ वॉन्ड। जजमेंट, टेन ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर जैसे लग रहा है किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उस सिचुएशन से, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ते दिखाई दे रहे हैं, डिस्टर्बेंस में दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं कि करें तो क्या करें। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ का बोझ है जो वो सह नहीं पा रहे हैं, और इसके वजह से वो परेशान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मूव ऑन की ऊर्जा दिखाई दे रही कि किसी सिचुएशन में जहाँ पर वो बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ से मूव ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से अगर आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ये कन्फ्यूजन में है कि मैं रहूं भी कि नहीं रहूं, मैं निकल जाऊं या मैं रहूं, इस चीज़ में नहीं समझ पा रहे हैं या पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो उनको बाहरी लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप इतना इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस में हो गया है कि उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा चांस मिले, कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें राहत मिल सके। यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन ईश्वर की तरफ से आए या आप दोनों की तरफ से आए जिसमें आप लोगों को इस रिलेशनशिप को बेहतर करने का एक अच्छा मौका मिल सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में दिखाई दे रहा है। आप लोगों का रिलेशनशिप भी हो सकता है और अदर चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। रिलीफ मतलब जैसे लगता है कि शांति की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर शांति हो, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है, माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा है, अनसेटिस्फैक्शन जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसी की वजह से वो जैसा लग रहा है कि ढूंढ रहे हैं वो रास्ता जहाँ पर शांति नज़र आ सके, जहाँ पर आपको लेकर साथ चल सके लेकिन शांतिपूर्वक चल सके। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत जैसे हम एक शोर में बैठे हुए हैं बहुत समय से, और अब हमें शांति चाहिए जहाँ पर कोई भी आवाज़ ना आए कुछ पल के लिए, ऐसी वो शांति जैसे लग रहा है कि ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। और ऐसा भी नहीं कि आपको साथ लेकर नहीं चलना चाहते, आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी चल रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है, नो कॉन्टैक्ट चल रही है, कैसी भी चल रही है, लेकर आपको साथ चलना चाहते हैं, बट सम रीजंस वो खुश नहीं दिख रहे हैं। और उनका करियर पाथ भी हो सकता है, वो आप लोगों के बीच में हद से ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जिसकी वजह से उनकी एनर्जी है मूव ऑन की एनर्जी में दिख रहे हैं कि मैं निकलना चाहता हूँ, मैं इसमें रहना नहीं चाहती या चाहता, और मुझे मैं बहुत फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बार बार सोचते हैं, ये देखिए, बार बार सोचते हैं कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन निकल नहीं पा रहे, और एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं विद न्यू थॉट्स एंड आइडियाज़, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए जजमेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं, चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, वापस से आप लोग रीयूनाइट हो जाएं, वापस से आप लोगों के बीच में अच्छे थॉट्स हो जाएं, क्लैरिटी आ जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चल रही हैं यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, हर बात आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।